Hello students, myself Koti Falguni. In your last video, we had discussed your 7th unit, 2nd lesson, Little Tiger and Big Tiger. Now, today we are going to discuss your exercise. And your first exercise is reading is 1. So, tick the correct answer. First one is, where did the mother tiger and her small tiger cub live? तो कहाँ पे रहते थे? नियर अ रिवर, नियर अ फॉरेस्ट, नियर अ माउंटेन और नियर अ सी. तो कहाँ पे रहते थे? नियर अ रिवर. नेक्स्ट है, व्हाट डिड द मदर टाइगर हंट व्हेन द स्काई वाज डार्क? तो शीप एंड गॉट, डियर एंड पिग्स, फिश एंड फ्रॉग एंड डोंकी एंड हॉर्सेस. तो व्हाट डिड द मदर टाइगर हंट? तो डियर एंड पिग्स. What did the tiger cub catch one night? तो a deer, a pig, a frog or a cat? तो क्या आएगा? A frog. Now, what happened to the little tiger cub when he chased out the frog? तो जब little tiger था वो frog को chase कर रहा था तो उसके साथ क्या हुआ? तो उसका answer क्या आएगा? A big tiger came close to him when the tiger cub chased the फ्रॉग. ओके, तो क्या आएगा कि तो व्हाट हैपन टू द लिटल टाइगर कब व्हेन ही चेज्ड द फ्रॉग? तो अ बिग टाइगर केम क्लोज टू हिम व्हेन द टाइगर कब चेज्ड द फ्रॉग. ओके, नाउ लेट्स सी योर नेक्स्ट एक्सरसाइज, वर्ल्ड बिल्डिंग. सो हियर इट इज योर नेक्स्ट एक्सरसाइज, वर्ल्ड बिल्डिंग. सो फर्स्ट वन इज मैच द एनिमल विद देयर यंग वन. ओके, तो एनिमल्स को उसके यंग वन में यानी कि उनके बच्चे के साथ आपको मैच करना है. तो हॉर्स का जो बच्चा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉल्ट. नेक्स्ट है डॉग, तो उसके बच्चे को हम क्या बोलेंगे? पप्पी. कैट के बच्चे को कीटन, काऊ के बच्चे को काफ, पीग के बच्चे को पिगलेट, टाइगर के बच्चे को कब, शीप के बच्चे को लैम, गॉट के बच्चे को किड और डक के बच्चे को डकलिंग. ओके, नाउ लेट्स सी योर नेक्स्ट एक्सरसाइज, वर्ड गेम. कैन यू प्लेस दिस लेटर इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम ऑफ एनिमल्स? ओके, तो आपको यहाँ पे जंबल वर्ड में एनिमल्स के नाम दिए, आपको इसको राइट ऑर्डर में प्लेस करके फिर पूरा कौन से एनिमल्स का स्पेलिंग है वो लिखना है. ओके, सो फर्स्ट वन इज माउस, सेकेंड वन इज हॉर्स, थर्ड वन इज लायन, फोर्थ वन इज शीप, नेक्स्ट इज डियर, देन बुल, देन बी यू डबल एल बुल, देन टाइगर, टी आई जी ई आर टाइगर, देन वॉल्फ, वॉल्फ यानी कि जो लोमड़ी होती है ना वो वॉल्फ. नेक्स्ट है द एनिमल्स बर्ड्स इन कॉलम ए हैव टू रीच देयर होम्स इन कॉलम बी, फाइंड आउट वेयर दे लिव्स. ओके, तो यहाँ पे एनिमल्स और बर्ड्स के नाम दिए हुए हैं और नेक्स्ट बी रो में क्या दिया हुआ है? उनके जो घर है वो दिए हुए है, उसका होम दिया हुआ है, तो उसको आपको मैच करना है. सो फर्स्ट वन है अ बी, तो बीज कहाँ पे रहती है? हाइव में, तो अ हाइव में रहती है. ओके, तो हाइव पे आपको करना है ज्वाइन. यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है, तो यहाँ पे आप एक काम करना, यहाँ पे आंसर लिख देना बाकी नीचे का आंसर. ओके, फर्स्ट है अन आंट, तो आंट हिल अन आंट हिल. ओके, तो आंट किस में रहती है? आंट हिल में रहती है. और डक, तो अ पॉन्ड, डक किस में रहता है? पॉन्ड में. और टाइगर लिव्स इन अ डैन, टाइगर कहाँ पे रहता है? गुफा में, डैन में. नेक्स्ट है अ रैबिट, तो रैबिट अ बुरो. नेक्स्ट है अ स्पाइडर, अ वेब एंड स्पैरो, स्पैरो इन अ नेस्ट. राइट, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज राइट अ सिक्स सेंटेंस फ्रॉम द अबव पिक्चर, वन हैज बीन डन फॉर यू, अ टाइगर लिव्स इन अ डैन. ओके, तो इसको यूज करके आपको सिक्स सेंटेंस लिखने हैं अपनी नोटबुक में. ओके, तो ये आपको करना है, मैं नहीं करवाने वाली, सिर्फ मैं बोल देती हूँ. तो अ टाइगर लिव्स इन डेन, फर्स्ट वन करके दिया है. नेक्स्ट है अ बीज लिव इन अ हाइव.
An ant lives in ant hill. Then a duck lives in a pond. Then a tiger lives in, then वो तो दिया ही है. फिर है a rabbit lives in burrow. A spider lives in a web and a sparrow lives in a nest. Now, talk time. The little tiger cub slipped away when his mother was asleep. He soon got into a trouble. Tell the class about the similar incident when you did not listen to your parents and found yourself in trouble. Okay? तो ये क्या दिया हुआ है कि a little tiger cub slipped away when his mother was asleep. Okay? तो जो टाइगर कब था वो उसकी माँ सोई हुई थी तो वो क्या हो गया, चला गया वहाँ से, तो वो एक ट्रबल में फंस गया था, राइट. तो आपको भी ऐसा इंसिडेंट बताना है जब आपके पेरेंट्स ने आपको बोला हो कि ये मत करो और आपने किया हो और ट्रबल में फंस गए हो. तो वन डे आई डिड नॉट लिसन माई पेरेंट्स एंड अ डॉग बीट मी. ओके, तो एक दिन क्या हुआ कि मैं अपनी मेरी मॉम ने या पेरेंट्स ने मना किया कि जाओ कुत्ते के पास मत जाओ, और मैं गया तो कुत्ते ने क्या किया, मैंने उनको लिसन नहीं किया तो कुत्ते ने मुझे काट लिया, राइट. नेक्स्ट है टीम टाइम. तो मेक अ ग्रुप. वन पर्सन फ्रॉम ईच ग्रुप शुड एक्ट लाइक द मदर टाइगर, द लार्ज मेल टाइगर, द सांबार कक्कर डियर, द कब, द फ्रॉग एंड द लंगर मंकी. ओके, तो ये पूरी स्टोरी का एक्ट करना है. ये तो क्लासरूम में ही हो सकता है, राइट. अगर आपके पास आप घर पे हो और बहुत सारे आपके कज़न हैं तो आप ये एक्ट घर पे कर सकते हो. ओके, इस स्टोरी का. ओके, नाउ एक्ट आउट द स्टोरी फर्स्ट इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश. ओके, ये घर पे करना है अभी क्योंकि आप यहाँ पे हो नहीं. ओके, नाउ से अलाउड. क्वाइट क्वाइट क्वीन क्वेरल बिलो फॉलो फेलो शेलो स्वेलो बिग बिगर बिगेस्ट स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट रिच रिचर रिचेस्ट एंड पाउंस बाउंस. ओके, ये जो है वो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री है और ये पॉजिटिव डिग्री है, राइट. आप पढ़ चुके हो इन योर ग्रामर इंग्लिश ग्रामर बुक, राइट. स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट रिच रिचर रिचेस्ट, राइट. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एक्सरसाइज. हु एम आई. लुक एट द पिक्चर एंड रीड द क्लूज देन कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड पजल. द फर्स्ट क्लू इज डन फॉर यू. ओके, तो यहाँ पे जो आपको क्लूज दिए हुए हैं उसको पढ़ के फिर आपको ये क्रॉसवर्ड जो है वो उस पजल को पूरा करना है. ओके, सो फर्स्ट है आई गिव वूल. तो वूल कौन देता है, शीप, राइट. तो शीप आपको दिया हुआ है. वूल हमें कौन देता है, जो वूलन अभी सर्दियाँ चल रही है तो हम वूलन कपड़े पहनते हैं ना, तो वो कौन देता है, वह हमें कहाँ से मिलते हैं, वूल से. वो आप पढ़ते हो गए हैं ईवीएस में, राइट. नेक्स्ट है आई ले एग्स. तो एग्स हमें कौन देता है, तो हैन है ना, तो उसके लिए एक्स देता है हैन, एच ई एन. ओके, फिर नेक्स्ट है दो जहाँ पे है, टू पे ये करना है तो टू पे एच ई एन हो गया. नेक्स्ट है आई गिव यू मिल्क. तो मिल्क कौन देता है, काउ, थर्ड पे, तो ये रहा थर्ड नंबर, सी ओ डब्ल्यू काउ. नेक्स्ट है आई कैरी लोड्स. तो लोड्स कौन उठाता है, गधा है ना, डोंकी, तो डी ओ एन के ई वाई. नेक्स्ट है आई ने. तो ने कौन करता है, मतलब ने जैसी आवाज़ कौन निकलता है, तो हॉर्स है ना, तो हॉर्स कहाँ पे है, एच ओ आर एस सी, हॉर्स. नेक्स्ट है आई एम अ मैंस बेस्ट फ्रेंड. ओके, तो मैंस का बेस्ट फ्रेंड कौन होता है, सिक्स नंबर पे डॉग है ना, डॉग होते हैं ना हमारे बेस्ट फ्रेंड. फिर नेक्स्ट है आई लिव इन अ स्टे. तो स्टे में कौन रहता है, सेवन नंबर पे पिग है ना, पिग रहता है ना स्टे में, आप ईवीएस में पढ़ते होगे. नेक्स्ट है आई बेल ब्लीट. तो आई ब्लीट तो वो कौन करता है, गॉट. नेक्स्ट है आई एम द शीप ऑफ द डिजर्ट. ओके, तो शीप ऑफ द डिजर्ट कौन है, आप लास्ट सॉरी अभी आपके आगे स्टोरी आएगी शीप ऑफ द डिजर्ट. कैमल, कैमल को बोला जाता है ना शीप ऑफ द डिजर्ट.
डिज़र्ट का शीप बोला जाता है, डिज़र्ट यानी कि रेगिस्तान है ना, उसका में शीप किसको बोलते हैं हम, कैमल को, तो ये कैमल, CAMEL, कैमल। ओके, नाउ यहाँ पे आपकी जो ये लेसन है, सेवेंथ यूनिट का सेकेंड लेसन, बिग टाइगर एंड लिटल टाइगर, वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका एट लेसन की फर्स्ट पोयम जो है, फर्स्ट लेसन व्हाट्स इन द मेल बॉक्स पोयम, वो देखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।